नमस्कार, समाचार एकांश के खास कार्यक्रम चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित कनौजिया। नया साल 2019 आप सभी की जिंदगी में ढेरों खुशियां लेकर आए, इसी मंगल कामना के साथ दूरदर्शन उत्तर प्रदेश की ओर से आपको नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। नया साल नई उम्मीदें, आशाओं तथा संभावनाओं को तलाशने का एक खूबसूरत मौका है। बीते साल के खट्टे मीठे पलों को भूलकर हम नए साल में नई ऊंचाइयां छूने के लिए मेहनत करते हैं। देश की बात करें तो यह साल सियासी और आर्थिक मोर्चे के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। 2019 के लोकसभा चुनाव इसी साल होने हैं, तो वहीं देश के आर्थिक विकास की रफ्तार और तेज होने की संभावनाएं हैं। बीते चार सालों में भारत ने जिस मजबूती से ग्लोबल पॉलिटिक्स में अपनी गहरी छाप छोड़ी, उसे और पुख्ता करने की उम्मीद है। आम आदमी की बात करें तो किसान, मजदूर, नौकरी पेशा, व्यापारी, देश का युवा वर्ग और महिलाएं, सभी ने इस नए साल से काफी उम्मीदें संजो रखी हैं। इसी विषय पर है हमारी आज की चर्चा, नया साल नई उम्मीदें। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमित कुशवाहा, और अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर रईस सिंह, जो कि एक लेखक हैं और स्तंभकार हैं। फिलहाल हम चर्चा शुरू करने से पहले आपको बता दें कि प्रदेश की जनता की नए साल से क्या उम्मीदें हैं। नए वर्ष का स्वागत तो सब लोगों ने गर्मजोशी से किया, लेकिन आज जानते हैं लखनऊ में यहाँ के लोग क्या कुछ चाहते हैं नए वर्ष में, क्या कुछ उम्मीदें हैं नए वर्ष से, क्या कुछ चाहते हैं आप, क्या कुछ है आप? सर, हम चाहते हैं हमारे नगर का विकास और भी तेजी से हो, जो भी हुआ है आज तक। शिक्षा में बेरोजगारी का मुद्दा काफी रहा है 2018 में, वो हम चाहते हैं कि 2019 में बेरोजगारी का मुद्दा थोड़ा कम होना चाहिए। उसकी वजह से हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा संघर्ष झेला है। अभी क्लीन इंडिया जो चल रहा है, इस पर ही फोकस करें, और किसानों पर जो सरकार कर रही है ठीक कर रही है। भाई इतना चाहते हैं कि बच्चों की फीस अच्छी तरीके से निकल आए, अपना पेट पल जाए बस, और हो सके माँ बाप की सेवा कर पाए, और तो कुछ ज्यादा नहीं चाहते हैं भाई, बस अपनी अच्छी तरीके से गाड़ी चल पाए, बस यही चाहते हैं भाई। न्यू ईयर इस बार काफ़ी मतलब हर्षोल्लास के साथ आया है और खुशियाँ भरा ये त्यौहार है। इसमें हम लोग अच्छा से न्यू ईयर को मनाएं, ताकि हर आदमी खुशी से इस साल का जश्न मनाए और सेफ से रहें। तो लोगों को नौ वर्ष के पहले दिन आज उम्मीद है कि आने वाले वर्ष में उनकी सभी जरूरतें पूरी होंगी, साथ ही देश और समाज का पूरा विकास होगा। विकास सिंह, डीडी न्यूज लखनऊ। तो नया साल नई उम्मीदों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अमित कुशवाहा हैं, जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र पढ़ाते हैं और एक तरीके से कह सकते हैं युवा वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा डॉक्टर कुशवाहा कि नया साल है, तो जब चूंकि युवाओं की बात हो रही, तो युवा इस 2019 को कैसे देखते हैं आप, कैसे कहेंगे, कैसे आपको लगता है कि युवा इस साल क्या 2019 में नई उम्मीदें कर सकते हैं? जी अभी जी, युवाओं के लिए एक खास उम्मीद का और आशाओं का ये आने वाला वर्ष रहेगा, और जिस तरीके से पिछले कुछ चार वर्षों में और साढ़े चार वर्षों में कहना चाहिए कि जिस तरीके से आर्थिक विकास की दर लगातार बढ़ रही है और इंडस्ट्रियल ग्रोथ और इस तरीके से नए नए अवसर रोजगार के जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में और तमाम ऐसे सामाजिक पहलुओं पर जिस तरीके से सरकार लगातार काम कर रही है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, इन तमाम मुद्दों को देखने के बावजूद कहा जा सकता है उस लिहाज से कि आने वाला वर्ष युवाओं के लिए एक बहुत सारी अपेक्षाओं और आकांक्षाओं का है, और एक नई ऊर्जा के साथ एक नए साल में प्रवेश करते हुए ये युवा एक नई इबारत भारत के विकास की, भारत को एक विकसित बनती हुई अर्थव्यवस्था की बनती अर्थव्यवस्था के उस रास्ते का वो एक अभिन्न हिस्सा बनेंगे। जी देखिए, जब भी बात करते हैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करते हैं, तो आप कैसे देखते हैं आर्थिक मोर्चे पर भारत के लिए 2019 कैसे उम्मीदों भरा है? देखिए, जैसा कि अब भारत लगातार पिछले जैसे कि 2013 और 14 के वर्षों में देखा गया कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमारी जो जीडीपी थी लगभग 6.8 और 6.9 के करीब रही, और लगातार आर्थिक सुधारीकरण के प्रयासों के बाद हमने जीडीपी की एक लगातार एक सस्टेनेबल जो ग्रोथ है 7.1 और 7.5 के आसपास, वो लगातार हासिल की है,
और जिस तरीके से तत्कालीन प्रधानमंत्री ने बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव और बहुत सारे नवोन्मेषी कार्यक्रम को बढ़ाया है, जिससे अर्थव्यवस्था को एक नया एक एक, एक एक तरीके का नया एक उत्प्रेरक की तरह वो आगे बढ़ी है। देखिए, इस बात में देखना ये होगा कि जैसे कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट के बाद, स्टार्टअप के विषय के और विचार के बाद जिस तरीके से ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट भारत में लगातार बढ़ रहा है, तो आने वाले वर्षों में ऐसा माना जा सकता है और ऐसा उम्मीद करते हैं भारत की अर्थव्यवस्था की आने वाले वर्षों में एक भारत की अर्थव्यवस्था एक मजबूत अर्थव्यवस्था के तौर पर उभरेगी और तमाम अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरी करने वाली अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था बनेगी। और जिस तरीके से भारत एक लगातार विकास कर रहा है, जैसे कि आपने देखा चाइना के अगर विकास के मॉडल को देखा जाए तो चाइना ने लगभग 13% के जीडीपी की ग्रोथ से एक लंबे समय तक विकास किया है। तो अगर हम किसी भी अपनी अर्थव्यवस्था को इस दौर में ले जाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि हमें इस ग्रोथ को आगे बढ़ाना पड़ेगा और उसके साथ साथ इस ग्रोथ को एक लंबे समय तक कायम भी रखना पड़ेगा और उसी के आधार पर हम एक मजबूत समृद्धशाली भारत बनाने में सक्षम हो पाएंगे। देखिए, जैसा कि मैंने अपने एंकर इंट्रो में भी बताया कि लगभग 4 सालों तक विकास की रफ्तार बढ़ी रही सरकार, जो मौजूदा सरकार है उसने लगातार कई ऐसे कदम उठाए। आपको ऐसे कौन से ऐसे कार्य लगते हैं मौजूदा केंद्र सरकार के जो कि 2019 में आने वाले दिनों में जो हमारे देश की जनता, ना मैं सिर्फ युवा की बात कर रहा हूँ, कैसे बेनिफिट उनको मिलेगा और किस तरीके से वो जो उनके कदम है माइलस्टोन? देखिए, सरकार कई पहलुओं पर काम कर रही है, जैसे कि सरकार गरीब के लिए उज्ज्वला और ऐसी जैसे कि अभी एक आयुष्मान हेल्थ पॉलिसी, इंश्योरेंस हेल्थ पॉलिसी लेकर आई जिसपे जीडीपी पर अभी तक 1.2% का जीडीपी जब तक खर्च होता था पिछली सरकारों में, अब ये अचानक से बढ़ के लगभग 4% 4.5% के आसपास आ जाएगा। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार गरीबों के स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित है और जिस तरीके से स्टार्टअप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया के साथ साथ मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट के साथ एक 2022 तक भारत को एक समृद्धशाली भारत बनाने का जो सपना शायद पंडित कहते हैं कि मोदी जी ने देखा है, उससे ये लगता है कि भारत अपनी इस ग्रोथ को आगे ले जाएगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ खासकर आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत बड़ी एक हमारे पास कहते हैं कि उम्मीद है, सबसे बड़ी हमारे पास एक एक्सपेक्टेशन है, वो ग्रोथ हम आगे ले जा सकते हैं और उस लिहाज से भारत एक अच्छी अर्थव्यवस्था के तौर पर उभर सकता है। और उसके अलावा एग्रीकल्चर है और एजुकेशन सेक्टर है, ये तमाम ऐसे सेक्टर्स हैं, अगर इन सारे सेक्टर्स में सरकार जिन नए आयामों को स्थापित कर रही है, अगर इन नए आयामों को हम आगे ले जाए तो आने वाले 2020 और 22 तक भारत एक समृद्धशाली अर्थव्यवस्था के तौर पर उभरेगा। देखिए, आपने कृषि की बात की, कृषि जो है सरकार का हमेशा से एक ऐसा पहलू रहा जिस पर लगातार केंद्र सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं समय समय पर। अभी भी ऐसी खबरें हैं कि कुछ और भी किसानों को या कृषि से जुड़े लोगों को कृषि सेक्टर के लिए कई चीजें करने वाले, उसके अलावा जैसा लगता है कि पावर सेक्टर हो या हेल्थ सेक्टर में भी सरकार ने काफी कदम उठाए। आयुष्मान भारत, आपको क्या लगता है कि आयुष्मान भारत को आप कैसे देखते हैं? देखिए, खासतौर पर उस वर्ग के लिए जिसके लिए अपना इलाज कराना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उसको जिस तरीके से केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है, उस योजना को आप आज 2019 के परिप्रेक्ष्य में केंद्र सरकार का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है आयुष्मान भारत, जिसमें उन तमाम लोगों को जो बीपीएल सेक्टर में आते हैं, बीपीएल उसमें आते हैं, उनको बहुत सारी हेल्थ की सुविधाएं जो शायद पब्लिक या प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज में अवेल नहीं कर पाते थे, वो उन सुविधाओं को भी अब ले सकेंगे इस परियोजना के अंतर्गत। इससे भारत, क्योंकि हम हमेशा से हेल्थ के सेक्टर में हमारी जीडीपी का जो 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 मार्जिन है, जो जो प्रतिशत है, वो हमेशा से बहुत कम रहा है, लगभग 1.2% से लेकर 1.5% तक ये फ्लक्चुएट करता रहा है। लेकिन आयुष्मान जैसी पॉलिसीज के आ जाने से सरकार जिस तरीके से लोगों के, गरीब लोगों के स्वास्थ्य को लेकर कॉन्शस है, और उससे लगता है कि भारत हेल्थ के साथ साथ तमाम अन्य सेक्टरों पर भी काम करेगी, इस तरीके से आगे आएगी। और स्वास्थ्य उसमें एक बहुत बड़ा पैरामीटर है, क्योंकि विकासशील देशों की सबसे बड़ी समस्या हमेशा से यही रही है कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य
और शिक्षा, ये तीन मौलिक जो आधारभूत संरचनाएं कही जाती हैं किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को उठाने के लिए, किसी भी देश की विकसित व्यवस्था में लाने के लिए, उस पर अगर सरकार इन्हीं तरीके से ऐसी लोक कल्याणकारी नीतियों के माध्यम से काम करती रहेगी तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में इस भारत में और भारत की जनता को एक नया भारत, एक नवीन भारत देखने को मिलेगा। देखिए, सरकार हेल्थ सेक्टर में काफी काम कर रही है, लेकिन एक बहुत महत्वाकांक्षी जो योजना थी, या योजना कही है कि एक तरीके का कह सकते हैं ड्रीम प्रोजेक्ट था, वो है स्वच्छ भारत। जैसा कि अभी कुछ देर पहले हमने जब प्रदेश की जनता की बात सुनाई कि वो नए साल में क्या नई उम्मीदें हैं उनकी, तो उसमें से एक व्यक्ति का कहना था क्लीन इंडिया, जिसके लिए हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार आवाज उठाते रहे। और क्लीन इंडिया को अगर हम उसको हेल्थ से जोड़ करके देखें तो एक बड़ा फैक्टर है। तो स्वच्छ भारत किस तरीके से आप देखते हैं कि इसने एक भूमिका एक निर्वहन किया है? जैसा कि गांधी जी भी कहते थे कि अगर देश को आगे बढ़ना है तो देश को स्वस्थ होना पड़ेगा, और उस स्वस्थ होने के लिए उसे स्वच्छ होना पड़ेगा। और स्वच्छता का जो पैरामीटर है हमारे हम भारतीयों के लिए, और हाइजीन का ख्याल, इन तमाम पैरामीटर्स को हमें उठाना पड़ेगा। और स्वच्छता एक बहुत बड़ा विषय रहा है भारत के लिए भी, और तत्कालीन प्रधानमंत्री साहब ने इस विषय को जब 2014 में जब अक्टूबर से शुरू किया तो एक बहुत बड़ी शुरुआत थी, भारत में एक बहुत क्रांतिकारी कदम था कि आम जनमानस भी स्वच्छता को लेकर, उन विचारों को लेकर अपेक्षित रहा, उन विचारों को लेकर उसने समझा, उन विचारों को जाना, जिससे भारत में जागरूकता, स्वच्छता को लेकर जागरूकता लगातार बढ़ी है। और इस लिहाज से भारत में स्वास्थ्य के लिहाज से और इस स्वच्छता के लिहाज से भारत ने काफ़ी कहते हैं कि विकास किया है। आज आम जनमानस आप कहीं भी उठाकर अब देख लीजिए, भारत के किसी भी कोने पर स्वच्छता को लेकर आज लोगों में एक नई एक आशा है, एक जागरूकता है, जानकारी है, जो शायद स्वास्थ्य के लिए तमाम तरह की इन समस्याओं के लिए बहुत जरूरी है, और ये एक बहुत ऐतिहासिक कदम। डॉक्टर कुशवाहा, ये तो सारी बातें हैं सरकार की योजनाओं की, और जो कि अनवरत चलती रहेंगी, लेकिन मैं अगर बतौर एक पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर, आप पढ़ाते हैं, काफी स्टूडेंट्स हैं, वो नए साल को किस तरीके से देखते हैं युवा के सामने अपने देश को आगे ले जाने के लिए? अभी भी हमारे देश में, हालांकि हमने कुछ वर्षों में 2014 के बाद एक अच्छी छलांग लगाई है विकास के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और नो इनोवेशन आविष्कारों के क्षेत्र में हमारे खिलाड़ियों ने अच्छा परफॉर्मेंस एशियाड में किया। अभी मोदी साहब की कैनवी जो मन की बात में उन्होंने इस बातों का भी उल्लेख किया कि हमने बहुत कुछ अभी अचीव किया है, लेकिन ये अचीवमेंट सिर्फ इतने ही काफ़ी नहीं है, आने वाले वर्षों में चुनौतियां बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि अभी भी हमारे देश में एक बेरोजगारी की समस्या एक जटिल समस्या है, किसानों की कर्ज माफी की समस्या जिस तरीके से एक राजनीतिक मुद्दा बनती चली जा रही है, ये आने वाले वर्षों में अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला जो ये भार है ये एक बहुत बड़ी समस्या बनकर उभर कर आएगी। दूसरी चीज है कि इस सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरीके से बजट बढ़ाकर लगभग 750 नए कहते हैं कि लगभग 76 विश्वविद्यालयों की स्थापना की, लगभग आप कह सकते हैं कि 2 से 2,500 नए कॉलेजेस की स्थापना की, और लगभग 4,500 के करीब स्कूलों की स्थापना की, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए कहा जा सकता है कि सरकार इन सब विषयों को लेकर बहुत जागरूक है। आप सरकार की बात कर रहे हैं डॉक्टर कुशवाहा, मैं बात कर रहा हूँ एक युवा, एक समाज के प्रति जो जिम्मेदार नागरिक है, उसके लिए क्या, उसको क्या करना चाहिए नए साल में, क्या सरकार की इन बातों से, क्योंकि सरकार एक वातावरण तैयार करती है जिस तरीके से आने वाले वर्षों में चुनौतियां, जैसे कि आप कह रहे थे कि चुनौतियां बहुत हैं भारत के पास और युवाओं के पास खासकर चुनौतियां बहुत हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा युवा वर्ग हमारे हिंदुस्तान, लगभग 65% हमारे 35 वर्ष के कम आयु वर्ग के लोग हैं, हम विश्व के सबसे युवा देश कहे जाते हैं, जो अपार क्षमताओं और अपार ऊर्जा से भरा हुआ ये देश है। आने वाले समय में हमें लगता है कि हम इस ऊर्जा को सकारात्मक तरीके से, रचनात्मक तरीके से कैसे जोड़ें, क्योंकि एक हमारे यूथ में, आजकल युवाओं में ऐसा डेटा बताते हैं कि लगभग 30% हमारे ऐसे युवा हैं जो अनस्किल्ड हैं, अनएजुकेटेड हैं, शायद इन तमाम चीज़ों को देख के सरकारों को काम करना चाहिए। दूसरी चीज़, आने वाले समय में हमें लगता है कि सरकारों को, खासकर युवा वर्ग को, नए चुनौतियों को का सामना करने के लिए उन्हें तैयार होना चाहिए, जैसे कि हमारे क्षेत्र में आजकल ये जो
टेक्नोलॉजी का जो क्रांति चल रही है, इससे तमाम चुनौतियां उभर कर सामने आ रही हैं। आतंकवाद की एक नई समस्या उभर कर आती है, अलगाववाद की एक नई समस्या उभर कर आती है, भ्रष्टाचार की नई एक समस्या उभर कर आती है, और तमाम तरह की जो भ्रांतियां समाज में लगातार तमाम वर्गों के माध्यम से फैलाई जाती हैं, इन तमाम चुनौतियों से युवाओं को जागरूक होना चाहिए और सकारात्मकता के साथ, रचनात्मक शक्ति के साथ उनसे हमें देखना चाहिए, और नई ऊर्जा के साथ मुझे लगता है कि इस नए वर्ष में भारत को आगे और युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए। मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी का एक सपना रहा है कि भारत, ये जो एक भारत श्रेष्ठ भारत जी, और आने वाले समय में भारत एक ग्लोबल लीडर बने जो न सिर्फ अपनी आध्यात्मिक क्षमता या शक्ति के लिए जाना जाए बल्कि अपनी आर्थिक और अपनी नेतृत्व क्षमता के लिए जाना जाए जी। आप कैसे देखते हैं कि भारत को किन किन क्षेत्रों में प्रयास करना चाहिए ताकि पुरानी वो जो प्रतिष्ठा रही है भारत की जैसे कि वो पुनः हासिल कर सके। मोदी जी ने जैसे कि बहुत सारे अच्छे विषयों के उठाया है जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर पे एक सॉफ्ट पावर के स्वरूप में समझते हैं। जैसे योगा को उन्होंने प्रमोट किया, अभी हाल ही में उन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया, जो एक भारत को एकीकृत करने की जो शक्तियां हैं उन शक्तियों पर काम करके भारत को फिर से राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से एकीकृत करना है, और उसके साथ साथ उन तमाम मूल्यों के, सामाजिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए भारत को एक नए युग में प्रवेश करना है। रही बात चुनौतियों की, जैसा कि आप कह रहे हैं कि क्या चुनौतियां हो सकती हैं, चुनौतियां मैं हमेशा कहता हूं कि चुनौतियां हमेशा बहुत रही हैं और आगे भी लगभग चुनौतियां उतनी ही रहेंगी, लेकिन हम कितनी सकारात्मक ऊर्जा के साथ उन चुनौतियों से निपटते हैं और उन चुनौतियों से कितना तारुफ करते हैं, ये बहुत सोचने वाला विषय है, और शायद सरकारों को, आने वाली सरकार को या तत्कालिक सरकार को या आने वाले समय में इन तमाम चुनौतियों को, इन लोगों को और व्यवस्था को अच्छे से देखना पड़ेगा। एक सवाल जो है, चूंकि आप राजनीति शास्त्र पढ़ाते हैं, वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे नज़र रखते हैं, बीते कुछ सालों में भारत की प्रतिष्ठा ग्लोबल पॉलिटिक्स में बढ़ी है जी, तो जिस तरीके के समीकरण हैं वैश्विक राजनीति में, उसके हिसाब से आप भारत का रोल क्या देखते हैं? नहीं, निश्चित तौर पे भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, जैसे कि लगभग 4.5 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था 8वें पायदान से उठकर 5वें पायदान पर आ गई है, तो भारत की इस बढ़ती हुई प्रतिष्ठा और बढ़ती हुई जो सक्रियता है वैश्विक स्तर पे, ये भारत को फिर से एक पुनः स्थापित करती है, और भारत का एक दबदबा जो वैश्विक स्तर पर बना है मोदी जी के नेतृत्व में, ये आने वाले समय में और भी मजबूत होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है, और भारत ने और भारत के विकास के विभिन्न आयामों ने भारत को जिस तरीके से वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है, नेतृत्व क्षमता ने स्थापित किया है, वैदेशिक चाहे कूटनीति हो, चाहे विदेश नीति हो, चाहे तमाम अन्य वैश्विक मुद्दे हों, चाहे अन्य बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर जिस तरीके से भारत ने अपनी बातों को रखा है और वैश्विक जगत ने उन बातों को समझा और माना है, चाहे वातावरण का विषय हो, चाहे व्यापार का विषय हो, चाहे मानवाधिकारों का विषय हो, तमाम ऐसे विषय हैं जिन पर भारत ने अपनी बेबाकी से राय रखी है, मोदी जी के नेतृत्व में उन बातों को लोगों ने स्वीकार किया है, और विश्व को एक नई ऊर्जा और एक नई दिशा देने का काम हमारे नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से सरकार दे रही है, ये निश्चित तौर पर भारत को एक प्रतिष्ठापित करती है एक वैश्विक स्तर पे। वैश्विक स्तर पे आपने सारी बातें अच्छी कही, लेकिन चुनौतियां भी तो है ना, निश्चित आपको साउथ एशिया रीजन में कई दिक्कतें हैं, चाहे वो बॉर्डर पे आप बॉर्डर की दिक्कत कहें, चाहे टेररिज्म की बात करें, तो वो आप कैसे आप देखते हैं कि भारत उन चुनौतियों से कैसे निपटेगा? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चुनौतियां हमेशा से रही हैं, और जैसा कि आपने कहा कि साउथ एशिया में खासकर भारत के लिए जो उनके पड़ोसी देश हैं, खासकर पाकिस्तान और श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, ये तमाम ऐसे देश जो साउथ एशिया के सक्रिय देश हैं, इनके साथ बहुत सारे विषय हैं, सीमा के जुड़े हुए विषय हैं, सीमा से जुड़े हुए व्यापार, चाहे वो NRC का मुद्दा हो, बांग्लादेश के साथ हमारी समस्या हो, चाहे सीमा सरहद पार जो आतंकवाद का पाकिस्तान के द्वारा बढ़ाया हुआ आतंकवाद है वो मुद्दा हो, चाहे चाइना के साथ हमारे बॉर्डर की जो समस्या है लगातार बनी हुई है, निश्चित तौर पर चुनौतियां हैं, लेकिन इन चुनौतियों से पार पाने का एक ही रास्ता है कि हम भारत को एक समृद्धशाली देश बनाएं, हम इस भारत को सशक्त देश बनाएं, तभी जाकर हम इन तमाम चुनौतियों से निपट सकते हैं। भारत राजनीतिक रूप से जितना एकीकृत होगा, राजनीतिक रूप से जितना समृद्ध होगा, आर्थिक रूप से जितना समृद्ध होगा, तभी हम जाके इन चुनौतियों से भी निपट सकते हैं, और इन चुनौतियों को निपटने का एक ही मार्ग है कि हम अर्थव्यवस्था के साथ साथ
अपने समाज की व्यवस्था को और प्रतिस्थापित कैसे करें और मजबूत कैसे करें? देखिए चुनौतियां हैं डॉक्टर कुशवाहा, लेकिन मैं एक बार फिर आपको वापस आपके विश्वविद्यालय लिए चलता हूं, चूंकि युवा वर्ग है और नया साल जैसा कि आपने तस्वीरों में भी देखा कि जश्न मनाते युवा ही नजर आते हैं और सारी उम्मीदें, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो चाहे हमारे हमारे आसपास का समाज हो, सारे के सारे युवा वर्ग से ही उम्मीदें रखता है। लेकिन जैसा कि देखने में मिला है, अक्सर देखने को मिलता है कि युवा वर्ग अक्सर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंफ्यूज नजर आता है अपने करियर को लेके, अपने आने वाले भविष्य को लेके कि किस तरीके से उसकी नौकरी लगेगी, किस तरीके से उसका एजुकेशन होगी और किस तरीके से वो देश को बढ़ाने में या बढ़ने में अपना योगदान देगा। तो ऐसे में आप 2019 के लिए आप क्या देखते हैं युवाओं के सामने, कुछ ऐसी चीजें जिनको युवा जरूर करें और कैसे वो अपने आप को एक राष्ट्र, एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में जो प्रक्रिया है उसमें अपनी सहभागिता कर सके? देखिए इसमें कुछ चीज़ें बहुत ही कॉमन हैं और बहुत ही सामान्य सी बातें हैं, हम सब युवा इन बातों को समझते और जानते हैं कि सच्चाई और सच का जो रास्ता है, जो ईमानदारी का रास्ता है, उसको कैसे हम इख्तियार करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि हम उन तमाम समाज में उठने वाली समस्याओं को, जितनी भी असामाजिक समस्याएं हैं, हम किसी भी अपराध को ना तो करें, ना अपराध को देखें, ना अपराध को, किसी भी तरह के अपराध को ना स्वीकृति दें। और उसके साथ साथ तीसरी चीज़ जो मुझे आती है कि जैसे आपने कहा कि रोजगार, रोजगार एक इस देश की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि युवा हमारे इस देश की ऊर्जा है और इसी ऊर्जा से एक नए भविष्य का, एक नए भारत का इतिहास लिखा जाना है। इस और उस ऊर्जा को किस सकारात्मकता के साथ हम प्रयोग करें, इस पर ध्यान आगे आने वाली सरकारों को भी देना होगा और युवाओं को, खासकर तमाम तरह की सामाजिक भ्रांतियां जो लगातार बहुत सारे इंटरनेट और तमाम माध्यमों से फैल रही हैं, इन तमाम चीजों से उभरकर युवाओं को एक रचनात्मक और सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमित कुशवाहा हमारे साथ जुड़ने के लिए और नए साल पर नई उम्मीदों पर अपनी बेबाक राय रखने के लिए। तो जैसा उन्होंने बताया कि भारत और भारत के युवा, उन्हें बहुत कुछ करना है, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना है, तभी इस देश के विकास में वो अपना योगदान दे पाएंगे। तो आज की चर्चा में बस इतना ही, धन्यवाद।